आवत तो बनते साध देखो मैं गाई न मांस। कोई गोपी अनजान जैसा कह रही है या पूर्व राग हुआ होगा कि मैं हे सखी मैं शाम को देखी एक लड़के को आते हुए। आवत तो बनते सांझ, सांझ के समय बन से आ रहा था और गायों के बीच में था। पता नहीं किसका पुत्र था जिसके सिर पर मोर पंख था और अतसी कुसुम तंग, उसका शरीर अतसी कुसुम के समान सांवला है और चंचल उसके नयन है। उसके नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे दो मछलियां आपस में झगड़ा कर रही है। जो चंचल नेत्र है इसका आपकी आवता बनते सांझ देखो मैं गई न मांझ। काहू को भुसारी जाते शीश मोर पंखिया, काहू को भुसारी जाते शीश मोर पंखिया। अत से कुसुम तना विरह चंचल नैना, अत से कुसुम क्या दशा मेरी हो गई, चला नहीं गया रास्ते में मैं गिर पड़ी कृष्ण की छवि देखकर। चल न पर्वत पद गिरी पड़ी सुध माज, चल न पर्वत पद गिरी पड़ी सुध माज, चल न पर्वत पद गिरी पड़ी सुध माज, चल सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान, सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान, सूरदास प्रभु चित
चोरी लियो मेरे जान सुरदास प्रभु और कोई उपाय नहीं है, दाव नहीं है कि अब कृष्ण से अपने मन को लौटा लो। चोरी हुई सो हुई, पर कोई उपाय नहीं है कि अपने चित्त को लौटा लो। दाव करते दाव पेच, कोई उपाय है न दान। सूरदास प्रभु चिंता चोरी लियो मेरे जान सूरदास प्रभु चिंता चोरी लियो मेरे जान मोर नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया कोई धोती अपने पलकों से कहती है कि अरे बैगन पलके देखने दो देखने दो कृष्ण को, तुम क्यों गिर रही है, पलक गिर रही है, तो उसके लिए कहती है अनुराग समय के नवे पृष्ठ पर देखन दे पिए बैरिन पलक देखन दे पिए बैरिन पलक देखन दे पिए बैरिन पलक देखन दे पिए बैरिन पलक। अरे प्रिय को देखने दो देखने दो कृष्ण को, नीर खत रूप नंद नंदन को नीर खत रूप नंद नंदन को ब्रज नहीं है ब्रज रहे, लेकिन कविता के लिए ब्रज रखा गया है, कविता बैठा दी ब्रज है। बीच में ऐसी पलके गिरती है ऐसे लगता है कि ब्रज के फाटक आ गए हमारे सामने, इतना बाधा हो रही है केवल पलक गिरने से। बीच पर मानो ब्रज की सलक बीच पर ब्रज की सलक देखन दे पिए बैरिन पलक देखन दे पिए बैरिन पलक बनते बनते बेनू बजावत बनते राज
चपल कुंड चपल चपल कुंड चपल कुंड चपल चपल ललित कपोल मंजुल झलक देखन देती बैरून चलक देखन देती बैरून चलक देखन देती बैरून चलक ऐसा मुख दे खन को सजनी ऐसा मुख दे खन को सजनी ऐसा मुख दे खन को सजनी ऐसा सतलोती कमल कौन करे सतलोती कमल सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु की गति आज सूरदास देखन देती बैरू पलक देखन देती देखन देती बैरू पलक देखन बैरिन पलके पहाड़ जैसी लग रही है। कभी पलकों को गाली देती हैं गोपियां और कभी ब्रह्मा जी को जिन्होंने पलक बनाया है। इस प्रकार की दशा ये थोड़े में संकेत दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में गोपीजनों के प्रेम का और भगवान की असमूर्ध सुंदरता की। इन सब वर्णनों को पढ़ने पर एक बार विचार हृदय में टकराता है। हम लोग तो संतुष्ट हैं संसार में, ये विकलता नहीं आ रही है कृष्ण को देखने से, परंतु यही उपाय है सुनना है बोलना है। धीरे 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 वह लौ ले उत्सुकता आ जाए। ब्रज को
देख सखी हरिया तो ब्रज को देख सखी हरिया ब्रज को देख सखी हरिया वत ब्रज को दे सकी देखो ब्रज की तरफ गोष्ट की तरफ हरी आ रहे हैं। ब्रज को देख सकी हरिया ब्रज को कति तट सुभंग पीत पट राज कति तट सुभंग कति में सुबह पीताम्बर शोभा दे रहा है पीत पट राज कटि तट सुभग पीत पट राज कटि तट सुभग मधुभूत भेल सब नावत मधुभूत भेल सब ब्रज को देख सखी हरियावत कुंडल तिलक झिकुर रज मंडित कुंडल तिलक झिकुर रज मंडित कुंडल तिलक कुंडल तिलक कुंडल तिलक झिकुर रज मंडित कुंडल मुरली मधुर बजावत हसी मुस्कानी हसी मुस्कानी बंक अवलोकनी हसी मुस्कानी हसी मुस्कानी बंक अवलोकनी हसी मन मत को ले जावत मन मत को ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को गौ का नाम पुकार रहे इसको कहते हैं सखी पीरी भारी दूसरी गोरी कहो
करो तो अपनी रुचि कहो मैं कर तम पार बजावत ब्रज को देख सकी हरियावत ब्रज को देख सकी कुसुमित दाम मधुक कुल गुंजत कुसुमित दाम संग सखानी गावत मंद चलत मनोहर मंद जुवती नरस उपजावत जुवती नरस जुवती नरस उपजावत जुवती नरस आनंद कांद सोदानंदन आनंद कांद आनंद कांद सोदानंदन आनंद कांद मन भावत ब्रज को देख सकी हरियावत ब्रज को देख सकी हरियावत ब्रज को देख सकी हरियावत ब्रज ततश्च सायंतेन वन्य देश विभूषितस्य श्री भगवतो गोपीनां च अनन्यं संदर्शन सम्माननंदमा। शाम के समय वन्य देश भूषा धारण किए हुए श्री भगवान का तथा श्री गोपियों का परस्पर संदर्शन और सम्मान का आनंद कह रहे हैं। कुंतला केशा अलकहवा ईक्षण अवलोकन एवं उपरी मध्य अधश्च सर्वतः श्री मुखस्य सौंदर्य मुक्त। कुंतल और ईक्षण शब्द का भगवान जब आ रहे हैं वन से कैसे कैसे गोपियां श्री कृष्ण को देखती हैं उसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। आंख का वर्णन और कुंतल का वर्णन, ऊपर ऊपर बद्ध बर है और नीचे कुंतल लटके हुए, तो मुख के नीचे या मध्य में या ऊपर सभी शोभा को कह रहे हैं। अन्य अलंकार संभावे की तत्तन मात्रशैव वर्णम सायं वन्य देशे तस्य मुख्यत्व। योगी श्री कृष्ण अन्य भी आभूषण लगाए हैं लेकिन फिर भी वन से लौटते समय वन्य देश भूषा का ही वर्णन किया जा रहा है क्योंकि वही मुख्य है। तेन तेन शोभा विशेषो दयाच वेणु कोणनम स्वभावत एवं वेणु बजा रहे हैं यह श्रीकृष्ण का स्वभाव है बजाना। एक बार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक तो स्वभाव से ही बजा रहे हैं और विशेषपश्च निजा गमन विज्ञापन तासाम आकर्षणार्थम प्रहर्षणार्थम च
अब विशेष बात यह है कि श्री गोपी जन बांसुरी के स्वर को सुनकर आ जाए, उन्हें ज्ञान हो जाए कृष्ण आ गए हैं, इसके लिए बांसुरी उच्च स्वर से बजा रहे वेणु कोणम तिशम आकर्षणार्थ। अतएव उपसंकेन वेणु कोणम च उपगीयते, तेनवा गीता कृत्य धेनु बधादि लक्षण आ गया। क्यों दिदृक्षित है, आज श्री कृष्ण प्रथम दिन गए हैं वन में, तो और दिन की अपेक्षा आज विलंब से लौट रहे हैं, इसलिए और अधिक अनिष्ट की आशंका हो रही थी दिन भर गोपियों के हृदय में। आज दूर वन में गए हैं, अब तक तो वत्स चरण करते थे, परंतु अब दूर गए हैं तो थक गए होंगे, और बछड़े तो निकट निकट घूमते हैं, गौएं खोह में गुफा में जहां तहां जाती रहती है घास के लोह से, तो जहां जहां जाती है वहां कृष्ण को जाना पड़ता होगा। ये दिन भर इस चिंता में और प्रतिदिन की अपेक्षा आज विलंब से लौट रहे हैं, इसलिए देखने की लालसा और बढ़ गई। वैसे यह बात नहीं है कि देखने पर लालसा कुछ शिथिल हो जाती थी, देखने पर तो और बढ़ती थी, नहीं देखने पर तो कहना ही क्या। एक बात तो एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण आपसे कभी सुख नहीं मिला हमको, कभी नहीं, क्योंकि जब आप नहीं मिलते हैं तो देखने की लालसा से मरते रहते हैं, जब देखती हूं तो यही भय मन में बना रहता है कि आप चले जाएंगे, तो आप रहते भी हैं तभी आपके वियोग की आशंका से मन दुखी रहता है, साथ में रहते हुए भी कोई सुख नहीं मिलता है, और विरह में तो आप जलाते ही, तो दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो कभी भी आपसे कोई सुख नहीं मिलता, इस तरह से आप दुख रहे। तो श्री गोपी जन यहां जो आई है शब्द गोप्य, तो इसका अर्थ श्री सनातन गोस्वामी करते हैं उल्लंघित बाल्य। उल्लंघित बाल्य का अर्थ है कि वे गोपियां अब बचपन से बढ़ गई, मतलब ज्योति हो रही, वे भगवान की क्रियाएं। अतएव श्री बलदेवों की दृढ़ व्यावर्तित, इसलिए इस श्लोक में बलराम जी का वर्णन नहीं है। ताभी सह अनुजस्य असंकोच संगम सुखा होंगे, उनको घूमने के लिए चले जाता है, कहते कृष्ण जरा मैं खेत घूम करके आ रहा हूं तुम चलो, लेकिन उसमें केवल भाव यह है कि श्री कृष्ण श्री गोपी जनों के साथ निसंकोच संगम का सुख प्राप्त कर, दर्शन का सुख प्राप्त। तो किसी छल से लोग गांव में प्रवेश करने की पहले ही, इसीलिए इसमें सानुजा आदि का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि अनुग्रह अनुगित कीर्तिन है, परंतु सहाग्रजम या साग्रजम नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं वो सब कुछ से पूर्ण रूप से देखते हैं। अभिगमने हेतु क्यों गोपियां लालसा चली जाती है भगवान के पास, क्योंकि दिदृक्षित दृश्य, जिनके आंखों में देखने की लालसा भरी हुई है, आत्मा मनोवा दृष्टुम परमोत्सुका दृशो की जासन, मन व्याकुल है देखने के लिए या आत्मा व्याकुल है, इसको तो क्या कहा जाए, आंखें छटपटा रही, दृक्षित दृश्य जो करण है उनकी जब ये दशा है तो कर्ता की क्या दशा होगी, अभी आंखों से आत्मा देखता है या मन देखता है, लेकिन मन का निषेध करके आत्मा को दूर करके कह रहे कि आंखों में देखने की लालसा, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मारे। इसी पर सनातन गोस्वामी दिदृक्षा के और अतिरेक को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। अस्तुतावर आत्मा मनोवा द्रष्टुं परमोत्सुका दृशो तिजासा, प्रथम गोचारे में दुरा गमन तो विविध संकट पत्ते, बहुत दूर प्रियतम गए हैं आज गाय चराने के, इसलिए विविध शंका दिन भर हो रही, पर जब
उनको प्रसन्नता के साथ बांसुरी बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए देखती हूँ तब सारा सुख मिल जाए। तो गोपियों में स्वसुख वासना बिल्कुल नहीं है, प्रियतम का सुख ही उनका अपना सुख है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का प्रेम बिल्कुल निष्कलंक है, जैसे जांबू नद सोना। तो स्वसुख वासना की गंध भी नहीं है। जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उससे उनको परम आनंद हो जाता है सुखी देख करके, और श्री कृष्ण और भी अपने को सजा करके चलते हैं उधर से, यह बताने के लिए कि वन में मैं ब्रज की अपेक्षा और सुख से था। ये अपना आनंद व्यक्त करते हैं। गोपियों को देख करके भगवान सुखी होते हैं और भगवान को देख करके श्री गोपीजन सुखी होते हैं। परस्पर दूसरे की लालसा से दोनों का समय बड़ा दुख से बीतता है, और विशेष करके गोपीजनों का। तो वत्स पालन तो अधुना गो पालने काल विलंबेना आगमना च, गोवत्स पालन की अपेक्षा गो पालन में विलंब हुआ है। समय था अनुन्य मिलता सत्य, एक मती से गोपियां एक स्थान पर चली आई थी, लज्जादि हान, क्योंकि अब भय और लज्जा नहीं रह गई थी गोपियों में। कोई घर के लोग क्या कहेंगे, क्यों यहां पर एक स्थान पर जुटी है, सब जानते थे कि ये जुटी है कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन अब वो नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जो समेता शब्द है, ऐसे अकेले कोई गोपी छिप करके कृष्ण को देखती तो चलो कोई केयर नहीं कर रही, समवेत रूप से एक साथ जुट करके और देख रही है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि भय और लज्जा नहीं है, स्वजनों का भय और लोक लज्जा दोनों नहीं। अरे भगवान के साथ इतना संबंध है जीव का कि उसके लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। तो भगवान बन से आ रहे हैं, उनको देखने में अब लोक लज्जा क्या है और भय क्या है। इसीलिए सब का वर्णन एक साथ करते हैं, जुगपत समय का, अपने अपने घरों से दौड़ करके आ गई थी एक स्थान पर, अथवा पहले से ही कृष्ण कथा में लगी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। गोपियों की आंखें वन की ओर लगी रहती, कभी छत पर चढ़ करके देखती थी कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुनती थी बांसुरी की धुन। और जिस समय से कृष्ण वन से बाहर आते हैं उस प्रसिद्ध पथ पर, वह देख करके कितना सुख मिलता होगा गोपियों को, इसका अंदाज भक्त हृदय कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं वे समझ सकते हैं कितना सुख मिलता होगा। अच्छा, जब श्री कृष्ण से भेंट होती है तो गोपियों का मुख्य कार्य क्या होता है, पीत्वा मुकुंद मुख सार धुमक्षुभृंगी तापम जहुर विरहजम ब्रज जोषितोनी तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश दोष्ठं सब्रीरहास विनयम् जब पांग मोक्ष। गोपियां कृष्ण को देखते ही उनके मुख का सारघ पीने लगती, पीना शब्द दर्शन करना शब्द नहीं, मुकुंद मुख यहां पद्म शब्द भी नहीं दे पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि मुख पद्म कहते तो पद्म बीच में व्यवधान कर रहा है, मुख के सारा कोई पीने लगे। सारा का अर्थ है सार, पराग, मधु, मुख के मधु को मतलब सौंदर्य अमृत को पीने लगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ततश्च तस् सौंदर्शन अमृते में तासम विरह जोड़ निरस्त इत्या। श्री कृष्ण के सौंदर्शन रूपी अमृत से गोपी जनों का विरह ज्वर समाप्त हो गया, यह बता रहे इस श्लोक में। दिन भर का विरह ज्वर था, और इधर तो प्रसिद्ध ज्वर नापते हैं 107-8 डिग्री का, जो बहुत हाई माना जाता है, लेकिन गोपियों का कृष्ण विरह ज्वर वो कितना हाई था, इसको तो सुखदेव गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं।
परंतु श्री कृष्ण को देखते हो फिगर उतर गया जलन मिट गई। कहां है काम वासना? भागवत पढ़ने वाले भक्तों को एक एक शब्द पर विचार करना चाहिए, तत्काल गोपियों की महिमा समझ में आ जाती है। श्री कृष्ण के मुख है, मुकुंद के मुख सारघम को अक्षी भृंगई अपने नेत्र भ्रमरों से पीतवा पी करके ब्रजजोषित तापम जह, ताप को त्याग मुक्त हो गई ताप से, जलन से। क्या जलन था? बिरहजम, बिरहज ताप, बिरह से उत्पन्न ताप। कब? अहनी दिन में, जब श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं उस समय जो ब्रजजोषिताओं के गोपियों के हृदय में ताप उत्पन्न होता है उसको वे त्याग दी, उस ताप से मुक्त हो गई। और तत्सत्कृतिम समाधिगम में विवेश गोष्ठ हूं सब्रीण हास विनियम जगतांग मोक्ष विवेश गोष्ठ। इसके बाद श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते हैं। अभी तो गलियों में आ गए हैं या गांव के बाहर आ गए हैं, और जिन जो बढ़ते हैं गलियों तो दोनों तरफ श्री गोपी जल श्री कृष्ण पर देखती जाती है। और श्री कृष्ण एक विशेष भाव से श्री गोपियों को देखते हैं, बंक विलोकन से और एक संकेत सा करते हुए कि इस कुंज की तरफ चलना है, उस कुंज की तरफ चलना है। तो अपने भावों को भगवान अपने नेत्रों से और अपने मुस्कान से व्यक्त करते हुए जाते हैं, इसलिए सारी जलन मिट जाती है। और अहनी शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं दीन में जो बिरहज ताप था उससे वे मुक्त हो गए। इसका अर्थ है कि रात्रि में ताप नहीं रहता था, यह सिद्ध हुआ। तो अहनी दीन में क्यों कहा जाता है? केवल ऐसे कहा देते कि विरह ताप, तो रात्रि में रास विहार आदि चलता रहता था, रात्रि में ताप नहीं रहता, केवल दीन में ताप रहता। तापम जहुर विरहजम ब्रजजोषित होने, जो श्री कृष्ण के लिए यहां मुकुंद शब्द दिया जा रहा है। क्यों मुकुंद शब्द ही दिया गया है? मुकुंद मुख सारघम, तो श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी कहते हैं मुक्ति रति मुक्सिता जस्मात आनंदा तम ददाती इति मुकुंद, जिस आनंद के आगे मुक्ति भी कुत्सित लगती है उस आनंद को जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं, प्रेम रस देते हैं, भक्ति रस देते हैं, ये मुकुंद है। तो मुकुंद का मुख भी मुकुंद जैसा है, यह कहने का भाव है। वह भी मुक्ति को कुत्सित करने वाला रस देता है, मुकुंद का प्रत्येक अंग मुक्ति को कुत्सित करने वाला आनंद देता है। अथवा मुखे कुंदानु दंतरूपाणि जस्य, या जिनके मुख में कुंद है, जो श्वेत वर्ण के छोटे छोटे दांत हैं चमक रहे हैं वे कुंद कली के समान, इसलिए श्री कृष्ण को मुकुंद कहा। मुंह कुंद, मुंह माने मुख है और कुंद माने कुंद है, कुंद जिनके मुख में कुंद है मतलब चमचम चमकने वाली दंत श्रेणियां हैं, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं। एवं अरुणाधर श्याम सुंदर श्री मुखस शोभा विशेष सूचित है। तो इस शब्द से मुकुंद शब्द से भगवान के लाल लाल अधर श्यामला शरीर और उजले उजले दांत कह करके विशेष शोभा का वर्णन किया गया है उपलक्षण से, इसे समस्त अंगों की शोभा समझ लेनी चाहिए। मुकुंद शब्द ही देने का एक गुड़ भाव यह है मुकुंद, इसमें द शब्द है दाता ददाती, इस समय गोपियों को दे रहे हैं भगवान। क्या दे रहे हैं? अपना सौंदर्यामृत दे रहे हैं, अपने हृदय का भाव अपने आंखों पर और चेहरे पर मुस्कान के द्वारा दे रहे हैं, क्योंकि इस समय देना है तो विरह से मर रहे हैं। क्या भगवान का प्रभाव है? कई घंटे का विरह ताप 2 सेकंड में दूर कर दिए। ऐसे प्रवेश करने में बहुत देर करते हैं कृष्ण अपने घर में,
कोई न कोई बहाना करते हैं, कोई न कोई अवकाल ही उधर क्यों चली गई, गाय को घेरते हैं, उधर कोई गाय चली जाती है, चाहे झूठ मूठ के उधर कोई मेरी गाय चली गई, जिससे गोपियां और निकट से देखे और उनसे इशारा कर सके, कुछ कोई न कोई बहाना करते हैं, जल्दी नहीं प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रवेश करने का मतलब है कि गोपियां पुनः दुखी हो जाएंगी। तो नंद और जशोदा या रोहिणी आदि को तो सुखी करना ही है, लेकिन गांव में आकर के वो देर करते हैं, ऐसे डायरेक्ट अपने भवन में नहीं घुसते हैं, फिर आते हैं तो पहले गौएं जहां दुही जाती हैं वहां आते हैं, वे नहीं दुहवाते हैं, कल के जब बड़े हो जाएंगे तो दुहवाएंगे, आज तो जाएंगे सीधे घर में, लेकिन गोष्ठ में गौओं को करके जहां बड़े गोप गौएं दुहेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे उनको जो करना हो, यह लीला भगवान कुछ देर से करते हैं, जब तक उजाला रहता है तब तक वे बाहर रहते हैं, फिर अंधकार हो जाने पर तो श्री का दर्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक कोई न कोई बहाना करके घूमते रहते हैं, ब्रज के बाहर, गांव के बाहर अथवा गलियों में। इस विषय पर घनानंद जी का एक कबीर है, उसको पढ़ने की कोई सभी काल है, हमारे इसी गली में कृष्ण आए थे, कृष्ण का आना मेरे नेत्रों में बसा हुआ है, ये पृष्ठ चार पर है, शुरू का श्लोक। सखी कह रही है कि डगमग डगनी धरनी, डगनी धरनी का अर्थ पग जब कृष्ण रखते हैं तो डगमग रखते हैं, तीन जगह से ऐसे ही टेढ़े हैं, टेढ़ा करके कैसे सीधा चलेगा, टेढ़े क्यों हो गए हैं, क्यों डगमग पैर हो रहा है, छवि का सौंदर्य का इतना वजन है उन पर कि वे सीधा नहीं चल पाते, सौंदर्य के भार से डगमग चलते, चला नहीं जा सकते, बहुत भारी वजन लेकर कृष्ण चलते, सुंदरता का भार, और धरणी छबीले हुए अच्छी बनमाल, उनके सामने वक्षस्थल पर बनमाला की अच्छी धरनी है, लटकी हुई है बनमाला, डगमग धर धरनी छबी के भार भगमग जगमगी डगनी धरनी छबी के भार सुंदरा बदन पर कोटि का मदन लाल सुंदरा बदन पर सुंदरा बदन पर कोटि का मदन लाल सुंदरा चूभी चितवनी लोचन विशाल की चित चूभी चितवनी लोचन विशाल की चित चूभी चित
काली गली आली निकस आचत आल गली काली गली आली निकस आचत आल आल भटकती काल की भटकती काल की कहा कहाक भटकती काल की विजयी हम मुंड धन छाल विजयी विजयी हम आनंद धन छाल विजयी में बसी में आमनी गोपाल की बसी में बसी में आखिन में आमनी गोपाल की गोपाल का आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, वो भूल ही नहीं रही है आंख बस गई है। अर्थ यह है कि अब कृष्ण यहां से जा ही नहीं रहे, कृष्ण का कृष्ण नहीं बसे हैं, कृष्ण की आमनी बस गई है। इस तरह से कह रही है, ऐसे लटकीली चाल से चलते हैं और ऐसी तेजी की तरह से देखे कि वो तो हमारे कलेजे में चुभ गई है, लोचन विशाल की विलोकन बड़े बड़े नेत्रों से जब देखे तो हृदय में वो धस गई। कृष्ण किस तरह आते थे, हम कहा कहूं अटक भटक तही काल की, जब मैं बिल्कुल निकट आए तो सखी क्या कहूं, उसने कैसी अटक भटक हो गई मुझे, मैं तो बिल्कुल सब कहां गई, इतना निकट से आए जिनकी मैं कल्पना नहीं करती थी कि वे मेरे तरफ ऐसे देखेंगे और इतना मेरे निकट आएंगे, तो मैं तो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई और उनका आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, निकल नहीं रहा। तो इस तरह से कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, श्री गोपीजनों को सुखी करते हैं। तो पित्रा शब्द पर देखिए, तत् सारघम अक्षि भृंगई पित्रा इति तत्सौंदर्यं परमाशक्त्या भृशं साक्षात् दृष्ट्वा इत्यर्थ। तीनों शब्द का अर्थ है कि परम आसक्ति से भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही है अच्छी भृंगई। अगर यह कहते सुखदेव गोस्वामी की वे पी रही हैं तब भी काम चल सकता था, लेकिन अच्छी भृंगई क्यों कह रही है, अपने आंख रूपी भ्रमरों से पी रही। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि भृंगा स्वयं मधु पीबंते, भृंग स्वयं ही मधु पीते हैं, न कि वे दूसरों के लिए पीते हैं, करण के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो स्वयं करता है। परंतु यहां पर भाव यह है, यद्यपि भृंगा स्वयं मधु पीबंती तथापि तेषां करणत्वं अक्षणमेव पिपासुत्वात्। फिर भी भावरों को करण के स्थान पर क्यों रखा गया, इसलिए कि आंखें ही पिपासु हैं। किस कारण से गोपियां पी रही हैं ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में गोपियों की तरह ही उनकी आंखें भी पीने के लिए व्याकुल है, इसलिए उनकी उपमा भृंग से दी गई। अथवा जैसे भावरे
चंचल होते हैं, वैसे गोपियों की आंखें चंचल। श्री कृष्ण के वे आंखों पर देखती हैं तो इच्छा करते हैं कि ललाट को देखूं, अलग को देखूं, बनमाला को देखूं, बांसुरी बजाते हुए हाथ पर, मुख पर, अधर पर देखू, इसलिए आंखें इधर उधर नाच रही हैं। अथवा बहुत से अपने पूज्य स्वजन खड़े हैं, वो भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है, तो उनकी आंखें नाच रहे, भिन्न की तरह चौपड़ हो रही, कहीं ससुर जी न देखने की देख रही है। इस तरह से सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं चंचल आंखें, इसीलिए उसको उतना भृंग से दे रहे। परंतु भृंग से उतना देने का एक अभिभाव है कि जब श्रीकृष्ण के मुख पर आंखें लग गई तो लग गई, ससुर देखे चाहे सास देखे चाहे कोई पति देखे, अब हटने वाली दृष्टि नहीं थी। मुख्य अर्थ है कि श्रीकृष्ण के अंगों पर ही दृष्टि चल रही थी, क्योंकि सारी अंग परम सुंदर है, अंगुली है, हाथ है, बनमाला, कंठ, कान, कुंडल, अलक, भ्रिकुटी, ललाट, सब कुछ परम सुंदर है। तो आंखें थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलती थी, इसीलिए आंखों की उतना भृंग से दे रहे हैं सुखदेव से, भंवरे से। भंवरा पुष्प का रस पीता रहता है, थोड़ा थोड़ा उड़ करके फिर बैठ जाता है, उड़ करके फिर बैठ जाता है, तो पी रही तदुक्तम पिपास, नेत्र पिपासु, जैसे जिज्ञासु शब्द है वैसे पिपासु शब्द, पीने के लिए तरप है। मन तो पहले जाकर के पी लेते थे, मन को तो जरूरी नहीं कि सामने कृष्ण आ रहे, तो गोपियों की आत्मा या मन तो वन में भी जाकर के पी लेता, ध्यान करेगा पी लेगा, ध्यान अवश्य तद गते न मनसा प्रसन्ति एम योगिना। शुद्ध गोस्वामी जी भागवत का अंत करते करते लगभग इस श्लोक बोल रहे हैं, ध्यान अवस्थित तदगतेन मन से, ध्यान में अवस्थित और तदगत मन से जोगी लोग कृष्ण को देखते रहते। तो मन तो कहीं नहीं दे सकता है, लेकिन आंखें तो बिना सामने आए नहीं पी सकती है, इसलिए आंखों की ही पिपासा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी की। किंच भृंग रूपणे भृंगवत अक्षणम चांचल्यादिना सौंदर्य विशेष तथा श्री मुखादेवेशु ततस्तत मुहुर दृष्टिश्च ध्वनिता विरहजम तद्दिने विशेषतो बृहत्तिस्तच्च विदीक्षित दृश्य अहनी इति रात्रौ विरह तापा भाव सूचित। तो श्री कृष्ण ने उनका सम्मान किया और उन्होंने श्री कृष्ण का सम्मान किया। कैसी रचना है, तत् सत्कृतिम समधिगम विवेश गोष्ठम, तत् सत्कृतिम अर्थ यह होगा कि उन गोपियों का सत्कार करके श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए, लेकिन एक अर्थ है कि गोपियों का सत्कार पाकर समधि गम्य श्रीकृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। क्या सत्कार था, कृष्ण क्या उनका सत्कार किया और वे क्या सत्कार की, इसी को कह रहे हैं सद्रीर हास बिलेम जदपांग मोक्षम। सद्रीर हास बिलेम, लज्जा से युक्त हास और विनय, यही है सत्कार अपांग मोक्ष। एक दूसरे पर तिरछी चितवन से देखना, यही था सत्कार। समधिगम्य का अर्थ है प्राप्त करा करके और प्राप्त करके श्री कृष्ण स्वागत किए, पर वास्तव में यहां पर सत्कार किसका होना चाहिए, गोपियों का, क्योंकि विरह में जल रही थी। श्री कृष्ण तो फिर भी आनंद में गाते झूमते हुए आए, पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घरों से उपहार लेकर के गोपियां आती थी देने के लिए, उपहार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। सत्कार करने में श्री कृष्ण का मुख कैसा था, सद्रीर हास विनय, लज्जा से युक्त हंसी और विनय से युक्त, विनय
यह कैसे हो सकता है कृष्ण का मुख विनय से और संकोच से झुका हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्रीपद सनातन गोस्वामी जी विनय का अर्थ करते हैं चांचल्य रहिता। श्री कृष्ण का मुख नम्र था, तो नम्र का मतलब था कि अचंचल हो गया। जब वो किसी गोपी पर देखने लगे तो देखने लगे, जैसे गोपी उन पर देख रहे थे ऐसे ये भी देखने लगे। जैसे मान लीजिए वहां राधा रानी आ जाए तो श्री कृष्ण के मुख में विनय आ गया। विनय का अर्थ है चंचलता दोष शून्य हो गया। जो श्री कृष्ण बारम्बार इधर उधर देखते हैं घूमते हैं वो नहीं देख रहे थे, एक टक राधा रानी पर देखने लगे। इसके लिए विनय शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। नहीं तो श्री कृष्ण विनय से झुक जाए तो ये तो दोष होगा इनके ब्रज में, और ऐसा कृष्ण कभी होते ही नहीं। और वह अभी गोपियों के सामने विनय से झुक्त हो जाए, तो यहां विनय का अर्थ है चंचलहीन। ये भी आसक्ति से देखने लगे गोपियों पर, इनकी दृष्टि हट नहीं रही थी राधा रानी के मुख से, और राधा रानी की दृष्टि नहीं हट रही थी या किसी भी गोपी की। तो क्या सत्कार था सबसे बड़ा, जस्मा अपांग मोक्षम, और परस्पर में संकेत करना और संकेत को समझ जाना। भगवान अपने हृदय के भाव को अपने अवलोकन से और मंद मुस्कान से व्यक्त करते हैं, यही गोपियों का सत्कार था। यदि श्री कृष्ण उन पर नहीं देखते प्रत्यक्ष, केवल चले जाते झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए, तो जलन नहीं मिटती, जलन मिटे इस तरह से। और पीतरा मुकुंद मुख सारघम शब्द पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियां देखने लगे कृष्ण को तो कृष्ण भी अपने मुख को इधर उधर नहीं करते थे, वे ऐसे ही मुख को रखे रहे, उन पर देखते थे उन पर देखते थे। लेकिन मुख अगर इधर उधर हो जाता तो देखने में बाधा हो जाती, इसलिए भगवान ने पूर्ण रूप से स्थिर करके अपने मुख को सामने रखा हंसते हुए और देखते हुए, जिससे तृप्त हो जाए। अतः पीतवा शब्द ऐसा नहीं कि वो थोड़ा पीना चालू की तब तक इधर मुख कर ले या ये कर ले, तब तो और दाह उत्पन्न होता और दुख हो जाता। किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण उनके तरफ देखते रहे, और वैसे श्री कृष्ण उन पर देखें तो इन पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन गोपियों के ऊपर तो नियंत्रण है। फूल की लाज है, बंधुओं का लाज। तो भगवान ने यह बहुत बड़ा दान दिया, तो सत्कृतिम दोनों की तरफ से है, सतत सत्कृतिम समधिगम ऊपर के लिए भी है और तत् सत्कृतिम समाधिगम नीचे कृष्ण के लिए भी है। कृष्ण ने गोपीजनों का सम्मान किया, अपना असमोर्ध सौंदर्यामृत पिलाकर और अपने भावों को व्यक्त कर, और श्री गोपीजनों ने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया, सत्कार किया जिस प्रकार कृष्ण ने उनका सत्कार किया। तो विदेश गोष्ठ, श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश की। गोष्ठ से तत्पर जो यहाँ चाहे गोगो के स्थान में अथवा अपने माँ के घर में गए जसोदा जी के गोष्ठ है, गो स्थानी गृहवा,